तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फिफ्टीन केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स उन कम्पाउंडस को कहा जाता है जिन कम्पाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन शामिल हो हाइड्रोजन और कार्बन ज़्यादा अमाउंट में शामिल हो क्योंकि नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो सकते हैं लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर मौजूद होंगे अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की तो हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया जा सकता है दो कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है ओपन चेन हाइड्रोकार की और दूसरी कैटेगरी है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की ओपन चेन को कहा जाता है हाइड्रोकारोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अलावा इनको कहा जाता है ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए साइकिल का मतलब क्या है ए साइक्लिक का मतलब है कि एबसेंट होता है साइकिल यहाँ पे साइकिल यहाँ पे मौजूद नहीं होता इसका मतलब ये रिंग स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होंगे

ऑनली कंटेन्स कार्बन रिंग ओनली कंटेन्स कार्बन एटम्स और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब यह है कि रिंग कंटेन्स एटम्स अदर देन कार्बन अदर देन कार्बन सिर्फ होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को

और अगर हम बात करें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तो अनसेचुरटेड हाइड्रोकार में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कम्पाउंड आते हैं यानी कि फैमिली और अलकाइन फैमिली लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड क्यों कहा जाता है इसकी वजह यह है कि यहां पर एडिशन पॉसिबल नहीं है नो एडिशन इज पॉसिबल एडिशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन एटम्स की सारी बैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेफाइड है अगर सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से वेटिस्फाइड होंगी तो यहां पर सिर्फ रिप्लेसमेंट हो सकती है सब्सटीट्यूशन यहां पर हो सकती है एडिशन यहां पर पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर हम बात करेंगे अल्किन्स की और अल्काइंस की तो अल्किस और अल्काइंस में एडिशन पॉसिबल है क्योंकि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है एडिशन एक सेकेंड यहां पर एडिशन पॉसिबल है अल्किन्स के अंदर भी एडिशन हो जाती है और अल्काइंस के अंदर भी एडिशन हो जाती है अगर बात करते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स की भी भीटेड और सैचुरेटेड में डिवाइड किए जा सकते हैं लेकिन हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं सिर्फ जल्दी से समझ रहे हैं कि एलिसाइक्लिक al कंपाउंड्स में आते हैं साइक्लो साइक्लो के बाद साइक्लो अल्की और फिर साइक्लो अल्काइंस इनके जनरल फॉर्मुलाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एरो कंपाउंड्स होते हैं बेंजीन या जिसको कहा जाता है बेंजोनॉइड्स बेंजो बेंजोनॉइड्स और नॉन बेंजोनॉइड्स बेंजोनॉइड्स वो हैं जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग शामिल होगा और नॉन बेंजोनॉइड्स वो हैं जिसके अंदर दो बेंजीन रिंग डिफ्यूज हुए होंगे या एक भी बेंजीन रिंग शामिल नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार में जो alkyns, alkyns और हैं इनके जनरल फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं और इनके पहले पहले कंपाउंड्स को अल्कि होता है सी एन एच टू एन प्लस टू अल्कि होता है सी एन एच टू एन और अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू अगर हम बात करें साइक्लो की तो साइक्लो का जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन साइक्लो अल्कि जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू और साइक्लो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस फोर बेनजीन के कंपाउंड्स के अलग अलग जनरल फार्मूलास होते हैं मतलब अलग अलग फार्मूलाज होते हैं जिसको जनरल फार्मूलाज के अंदर नहीं डिस्कस किया जा सकता जैसे कि फिनॉल का अलग फार्मूला है टॉलिन का अलग पायरिडीन का अलग और बेंजीन का खुद का अलग इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से वापसी स्टार्ट करते हैं अल्केन्स का जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है अल्केन्स का जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है और पहला कंपाउंड है वो है मीथेन और फिर मीथेन के बाद दूसरा कंपाउंड जो आएगा वो होगा इथेन इस तरह से अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर है इथाइन बेनजीन का फर्स्ट मेंबर है बेंजीन का फर्स्ट मेंबर है बेंजीन हम आज की वीडियोस में इन्हीं कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे तो आइए डिस्कस करते हैं अगर हम अल्किस की बात करते हैं तो अल्केस का फर्स्ट मेंबर है मीथेन और अल्केस का सेकंड मेंबर है इथेन अगर मीथेन के मोलिकुलर फॉर्मूला की बात की जाएगी तो मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होगा सी एच फोर इथेन का मोलिकुलर फॉमूला हो जाएगा सी टू एच सिक्स मॉलिकुलर मास इ, मीथेन का हो जाएगा सिक्सटीन क्योंकि कार्बन का ट्वेल्व और हाइड्रोजन का फोर तो सिक्सटीन जबकि अगर इथेन की बात की जाएगी तो हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स इक्वल टू थर्टी अगर स्टेट की बात की जाएगी तो मीथेन भी गैसियस स्टेट में पाया जाता है और इसको ड्राई गैस भी कहा जाता है ड्राई गैस भी कहा जाता है इसको हम आम तौर पे फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे घरों के अंदर इसको यूज किया जाता है खाना वगैरह पकाने के लिए और सी को यूज़ किया जाता है गाड़ियां चलाने के लिए सी में और नेचुरल गैस में क्या डिफरेंस है अभी इसको भी डिस्कस करते हैं स्टेट की बात करें अगर इथेन की तो इथेन भी गैसेस स्टेट में पाया जाता है अब अगर मीथेन की बात की जाएगी तो मीथेन कहाँ पर पाया जाता है मार्शी प्लेसेस पर दलदली इलाकों में पाई जाती है मार्शी प्लेसेस में पाई जाती है इसलिए इसको मार्श गैस भी कहा जाता है ये 94.5 परसेंट तक प्रेजेंट होती है नेचुरल गैस के अंदर जबकि अगर हम इथेन की बात इथेन की बात करेंगे तो इथेन 1.05 परसेंट प्रेजेंट होता है नेचुरल गैस के अंदर और हम इसको फ्यूल के तौर पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं अगर हम अबंडेंस की बात करें तो अबंडेंस डिस्कस की जा चुकी है नाइन्टी इन नेचुरल गैस और वन इन नेचुरल गैस अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें कि मीथेन से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं तो मीथेन से मिथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड मिथाइलिन क्लोराइड या क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है और कार्बन टेट्रकलोराइड सीसी एल फोर और इसी तरह से सी एन जी के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है या एल एन जी के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है वगैरह तो ये मीथेन के प्रोडक्ट्स हैं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें या सी एन जी की बात करें तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है सी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारे घरों में जो गैस आती है उस गैस का इतना प्रेशर नहीं होता क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं अगर उसी गैस को कंप्रेस कर दिया जाए तो गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए हम उनको फिर गाड़ियों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है तो वो गैस फिर कहलाएगी कंप्रेस नेचुरल गैस एल की बात करते हैं एन एनजी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस का क्या मतलब है अगर आपको एक गैस नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है लेकिन पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं करना बल्कि कंटेनर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है तो आप उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन तो इसीलिए ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर मतलब अगर उसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो कम वॉल्यूम को करेंगी और ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी और उसका रिस्क भी कम हो जाएगा तो इसीलिए जब भी नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो एल की फॉर्म में किया जाता है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करते हैं इथेन की तो इथेन की इथेन से क्या चीज बनाई जा सकती है इथेन से बनाए जा सकते हैं, हैं इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड और इथाइल अल्कोहल्स इथाइल अल्कोहल्स और वन टू इथेन या और भी दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं जो कि सारी चीजें यहां पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है तो अल्किंस के बाद अब हम बात करेंगे अल्किन्स की तो अल्किस का फर्स्ट मेंबर होता है इथिन अल्किस का फर्स्ट मेंबर है इथिन इथिन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है सी टू एच फोर और इथिन का मोलर मास होता है कार्बन का ट्वेल्व टू जर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस फोर हो जाएगा ट्वेंटी एट अगर इथिन के कॉमन नेम की बात करेंगे तो इथिन का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन और अगर इथिन की अबंडेंस की बात करेंगे तो इथिन नाइन परसेंट तक प्रेजेंट होती है कोल गैस के अंदर नाइन परसेंट तक प्रेजेंट होती है कोल गैस के अंदर इसी तरह से अगर इथीन की स्टेट की बात की जाएगी क्योंकि इथीन के अंदर दो ही कार्बन आइटम्स हैं तो ये गैसियस स्टेट के अंदर पाई जाती है गैसियस स्टेट में पाई जाती है आमतौर पर जो फ्रूट्स में से जो ग्रीन कलर के फ्रूट्स होते हैं या ग्रीन कलर की जो सब्जियां होती हैं उसके अंदर से जो गैस निकलती है वो गैस खिलाती है इथिन गैस और इसी इथिन गैस की इसी इथी, इसी इसी इथिन गैस को यूज़ किया जाता है फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फलों को पकाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इसको यूज़ किया जाता है अगर हम बात करेंगे इथिन से बनने वाली प्रोडक्ट्स की तो इथिन से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जिसमें पॉलीथिन यानी कि प्लास्टिक के जो शॉपर्स होती हैं पॉलीथिन फिर उसके बाद पी क्योंकि पहले इथिन से विनाइल क्लोराइड बनेगा और फिर विनाइल क्लोराइड से पी और फिर इसी तरह इथिन से विनाइल एसिडेट बनता है और विनाइल से तो पोलिथिन पीवीसी पॉलीविनाइल एसिडेट और इसी तरह से मस्टर्ड गैस इथाइलिन ये कॉमन चीजें जो कि इथीन गैस से बनाई जाती हैं इसके अलावा इथीन से इथेन भी बनाई जा सकती है इथेन भी इथेन गैस भी बनाई जा सकती है और इस तरह से इथाइल अल्कोहल इथाइल एल्कोहल्स इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड इथाइल आयोडाइड वगैरह या इसी तरह से इसके इससे अल्टीहाइड्स बनाए जा सकते हैं अब अगर मस्टर्ड गैस की और इथाइलिन ग्लाइकुल की बात की जाए तो मस्टर्ड गैस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मस्टर्ड गैस के बारे में एक आता है ये किसने यूज करी थी और कब यूज हुई थी तो मस्टर्ड गैस यूज हुई थी वर्ल्ड वॉर के अंदर वर्ल्ड वॉर के अंदर इसको यूज किया गया था और इसको यूज करने वाली पार्टी थी जर्मन की और ये स्किन को डैमेज करती है डैमेज स्किन अगर हम बात करें इथाइलिन ग्लाइकोल की तो इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रीज होने से रोकता है मान लीजिए कि के कैरोसिन ऑयल है मट्टी का तेल है जिसको आप घरों के अंदर पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन इसी कैरोसिन ऑयल को जेट फ्यूल के तौर पर भी यूज किया जाता है किस तरह से यूज किया जाता है कि इसके अंदर ग्लाइकोल या कोई भी एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड किया जाता है क्योंकि जब ये जेट जब ये जो भी जेट्स हैं या जेट फ्यूल है जब ये अपनी एल्टीट्यूड पहुंचेगा पहुंचेगा बुलंदियों में पहुंचेगा, तो होगा क्या फ्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर यह फ्रीज ना हो या इसकी बर्निंग क्वालिटी पर फर्क ना आए इसीलिए उसके अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड किया जाता है था ग्लाइकोल का आपको यूज समझ में आ गया होगा पीवीसी बी पॉलीमिनाइल क्लोराइड जो है पाइप्स बनाने के लिए प्लास्टिक के पाइप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है और पॉलीथिन प्लास्टिक के शॉपर्स बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्केस के अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड है अल्केस के अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है इथाइन सॉरी अल्काइंस के अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है इथाइन और इथाइन का फॉर्मूला होता है सी टू एच टू इसके बारे में थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं आइए बात करते हैं

और अगर इसके यूजेस की बात की जाए वैसे तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं लेकिन एक कॉमन यूज जो है वो है गैस वेल्डिंग का सो गैस वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके फ्लेम का टेम्परेचर थ्री डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है अगर हम बात करें कि इथाइन से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं तो इथाइन से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं जिनमें इथानल रेड सॉलिड वाइट सॉलिड इथिन वन वन टू टू टैट्राक्लोर इथेन ये काबिल जिक्र हैं अगर इसके फ्लेम के नाम की बात करें तो इसके फ्लेम का नाम होता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम और उसका टेम्परेचर थ्री थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो कि हमने डिस्कस कर लिया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं डिस्टिंग टेस्ट बिटवीन अल्कि और पे और इस तरह से अल्किस और अल्काइंस के डिस्टिंग टेस्ट की बात करते हैं देखिए हमें ये बात पता है कि अल्किन्स और अल्काइंस ये दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं अनसेचुरटेड हाइड्रोकार्बन हैं तो ये डी कलराइज कर देते हैं कैमिनो के सोल्यूशन को मान लीजिए कि आपके पास alkyns, alkyns या alkyns, ये तीन डिफरेंट और आपको, उनको, आपको उनमें डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा अल्केन है और कौन सा अल्किन या कौन सा अल्काइन। तो आप के एमो फोर का सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और के एमो फोर का सोल्यूशन होता है पर्पल कलर का पर्पल कलर के सोल्यूशन के अंदर अगर आप अल्कीन डालेंगे तो यह पर्पल कलर खत्म हो जाएगा अगर अलकाइन डालेंगे तो ये पर्पल कलर फिर खत्म हो जाएगा यानी कि वो डी कलराइज हो जाएगा लेकिन अगर आप अल्केन डालेंगे तो वो डी कलराइज नहीं होगा क्योंकि के, के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं तो इट कांट रिएक्ट या इट कांट डी कलराइज के एम एन ओ फोर सोल्यूशन अगर हमने ये पता कर लिया कि वो नहीं है तो या तो अल्किन्स होंगे या फिर अलकाइंस होंगे अब अल्किस या अलकाइंस में डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है हम क्या करेंगे कि उसको रिएक्ट करवाएंगे सॉफ्ट मेटल्स के साथ में सॉफ्ट मेटल के साथ में तो या हार्ड मेटल के साथ में यानी ट्रांजिशन मेटल्स के साथ में अगर अलकाइंस होगा तो वो ऐसी बनाएगा टाइल फॉर्म करेगा यानी कि वो मेटल्स के साथ में सब्सिट्यूशन करेगा मेटल्स के साथ में सब्सिट्यूशन करेगा जिसके नतीजे में वो सोडियम ऐसी बना सकता है सोडियम ऐसी भी बना सकता है जबकि रेड सॉलिड रेड सॉलिड या वाइट सॉलिड फॉर्म कर सकता है रेड सॉलिड और वाइट सॉलिड का जो फॉर्मूला है वो है रेड रेड सॉलिड सॉलिड का है, Cu, uh, का है है कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड फिर कार्बन से फिर दोबारा सी यू यानी कि क्यूप्रिक एसिड जबकि अगर हम वाइट सॉलिड की बात करेंगे तो वाइट सॉलिड के अंदर कार्बन कार्बन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड होगा और दोनों साइड पर सिल्वर मौजूद होंगे जबकि अल्किस ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्किन्स के अंदर सब्सिट्यूशन नहीं होती विथ मेटल्स एक चीज और हमें समझने पड़ेगी कि अगर हमें सब्सिट्यूशन करवानी होती है तो सब्सटीट्यूशन करवाने के लिए जो सोल्यूशन यूज होता है वो सोल्यूशन है अमोनिया गैस का यहाँ पे हमारे एलिफेटिक कंपाउंड एंड होते हैं और हम हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला कंपाउंड जो हमने डिस्कस करना है और हमने एक ही कंपाउंड डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर और वो कंपाउंड है बेंजीन बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है सी सिक्स एच सिक्स और अगर इसकी स्टेट की बात की जाए तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है फाइव डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होगा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट सिक्सटी एट टू सिक्सटी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है अगर बात करते हैं कि ये आ, किस तरह से बर्न होता है तो इसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है यानी कि कार्बन की कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से जब इसको जलाएं तो उसमें से धुआं निकलता है और यही डिस्टिंग टेस्ट है बिटवीन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को जब बर्न किया जाता है तो उसमें से धुआं नहीं निकलता दे बर्न विदाउट सूट लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड बर्न होते हैं सूट के साथ में जो बेंजीन है ये एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है कार्सिनोजेनिक कंपाउंड का मतलब यह है कि इसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट है कैंसर कॉजिंग एजेंट है ब्लड कैंसर ये प्रोड्यूस कर ब्लड कैंसर ये कॉज करता है ब्लड कैंसर का एक खास नाम होता है ब्लड कैंसर की काफी सारी टाइप्स होती हैं जिसमें से एक खास नाम होता है लुकीमिया और बैनजीन लुकीमिया आ, बेंजीन लुकीमिया का जिम्मेदार है यानी बेंजीन के पेपर्स की वजह से लुकीमिया हो सकता है अगर बात की जाए कि बेंजीन को किस चीज से प्रिपेयर किया जाता है तो बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है एन से एन एनहेप्ट से फेनॉल्स से सोडियम बेंजुएट्स से कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टलेशन है और इथाइन है इथाइन की पॉलीमराइजेशन के थ्रू बेंजीन को बनाया जाता है जबकि कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो लाइट ऑयल होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाएगी और कोल तार में जो लाइट ऑयल होगा उस लाइट ऑयल के फ्रैक्शन में बेंजीन काफी ज्यादा मौजूद होगा अब बात करते हैं कि बेंजीन से कौन कौन से कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं तो बेंजीन से जो प्रोडक्ट्स ओप्टेन होते हैं वो 500 प्लस कंपाउंड्स हैं यानी बेंजीन से 500 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं अब बेंजीन क्योंकि एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट है तो इसीलिए हम इसको एज इंटरमीडिएट कंपाउंड यूज़ करते हैं इसको बेंजीन की फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं जैसे कि टॉलिन से बेंजीन बनाया और फिर बेंजीन से फिनॉल या फिनॉल से बेंजीन बनाया और फिर बेंजीन से टॉलिन इस तरह हम रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को बार 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 इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते, करते रहते हैं बेंजीन को इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर ही स्टोर किया जाता है मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म की तौर पे ही यूज़ किया जाता है अब बात करते हैं कि इससे कौन कौन से कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं तो फिनॉल टोलिन नाइट्रो बेनजीन क्लोरो बेनजीन एसिडोफिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स और इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंडस अगर बात की जाए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किसने पेश किया था तो एटीन में कैक्यूज ने पेश किया था बेंजीन का, जिसके ऊपर बाद में लगे फिर एक ऑब्जेक्शन ने, ने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर पेश किया जिसमें उसने कहा कि के अंदर डबल बॉन्ड्स के अंदर रेजोनेंस होती है रेजोनेंस का प्रोसेस होता है रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का मतलब ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स बार बार अपनी जगह चेंज करते रहते हैं जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बार बार अपनी जगह शिफ्ट करते हैं तो ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और वो एनर्जी कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी और ये एनर्जी कम हो जाने की वजह से बेंजीन स्टेबल हो जाता है अब बात करते हैं बेंजीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बेंजीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी जो यूनिट ज्योमेट्री होती है होती है वो होती है ट्राइगोनल लेकिन अगर इसकी ओवरऑल शेप की बात की जाए तो इसकी ओवरऑल शेप होती है हेक्सागोनल बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई प्रेजेंट होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं जैसे कि अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए तो छह कार्बन एटम्स होंगे और इन छह कार्बन एटम्स के दरमियान में हर जगह पर सिंगल बॉन्ड्स होगा सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होंगे फिर उसके बाद ये कार्बन एटम्स हाइड्रोजन से कंबाइन होंगे तो यहाँ पर टोटल सिग्मा कितने हो गए ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्थ तो यहां पर ट्वेल्व सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे अगर पाए बॉन्ड्स की बात की जाएगी तो बेंजीन में कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड्स होते हैं तो ये एक ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गया फिर एक और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और एक और डबल बॉन्ड तीन डबल बॉन्ड्स हैं यानी कि फिर तीन पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होता है पाई तो यहां पर थ्री पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे आगे बढ़ते हैं अगर बात की जाए बेंजीन के एडिशन रिएक्शन की तो बेंजीन डवेल नेचर रखता है बेंजीन एक्जबिट्स डुअल नेचर डुएल नेचर का मतलब यह है कि यह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह से भी बिहेव करता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार की तरह से भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह से बिहेव करेगा तो सब्सिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा लेकिन अगर ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह से बिहेव करेगा तो ये एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह से ये बहुत कम परफॉर्म करता है या बहुत कम बिहेव करता है तो एडिशन इसमें किस चीज की हो सकती है हाइड्रोजन की और साथ साथ में क्लोरीन की क्लोरीनेशन इसके अंदर हो जाती है क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है यानी प्रेशर 450 फिफ्टी के करीब करीब भी रिक्वायर्ड हो सकता है अगर बात की जाए हाइड्रोजन की तो जब इसकी हाइड्रोजनेशन होगी हाइड्रोजनेशन के बाद यह आगे जाके फॉर्म करेगा साइक्लोहेक्सेन बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर अगर इसकी क्लोरीनेशन की बात की जाएगी तो बेंजीन की जब क्लोरिनेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये कन्वर्ट हो जाता है तो सबसे पहले बेंजीन की पोजीशंस के बारे में समझ लेते हैं बेंजीन के अंदर पोजीशन फिक्स होती हैं जैसे कि फर्स्ट पोजीशन फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इन पोजीशंस के नाम हैं वन और फोर वाली पोजीशन को कहा जाता है पैरा बल्कि ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम वन फर्स्ट पोजीशन को कहें स्पो और फिर फोर्थ पोजीशन को कहें पैरा और टू और सिक्स वाली पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो और थ्री और फाइव वाली पोजीशन को कहा जाता है मेटा अगर कोई कंपाउंड फर्स्ट पोजिशन पे यानी स्पो पोजिशन पर आगे अटैच हो जाता है तो वह नए आने वाले कंपाउंड को डायरेक्ट करता है कि उसको ऑर्थो पोजिशन पे जाना है या मेटा पे या पैरा पोजिशन पे तो इसी तरह इसी तरह से उस कंपाउंड को कहा जाता है डायरेक्टर या तो वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर होता है या फिर या फिर वो मेटा डायरेक्टर अब या तो फिर वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा या नॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप ये सब क्या चीजें इन इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं तो अगर बेंजीन के ऊपर फर्स्ट पोजिशन पर कोई ग्रुप अटैच है तो ये ग्रुप डायरेक्ट करता है नए आने वाले ग्रुप को कि कौन सी पोजिशन पर जाना है यानी कि ग्रुप वन डायरेक्ट करता है ग्रुप टू को कि तुमने थर्ड पोजीशन में जाना है कि फोर्थ पे जाना है या टू पे जाना है या फिफ्थ पे जाना है तो इसी वजह से जो फर्स्ट ग्रुप होता है ये कहलाता है डायरेक्टर अब जो नया वाला ग्रुप है ये अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के तौर हम इसको बिहेव करेंगे जो नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये डायरेक्टर है ऑर्थोपैरा ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स है तो ये डायरेक्ट करते हैं न्यू आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को टू फोर या सिक्स पोजीशंस पर अगर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स की बात की जाएगी तो या तो ये एक्टिवेटिंग होते हैं या डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग होने का मतलब ये है कि बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे बेंजीन की रिएक्टिविटी को कर देंगे और इसी तरह से अगर बात की जाएगी डीएक्टिवेटिंग की तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देंगे बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देंगे हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एक्टिवेटिंग कौन कौन से होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स में एक्टिवेटिंग होते हैं अल्काइल ग्रुप्स जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्कोक्सी ग्रुप अल्कोक्सी ग्रुप के अंदर आर के साथ में ऑक्सीजन भी लग जाएगा और अमाइन ग्रुप के अंदर ग्रुप और अल्काइल अलकाइल के अंदर एनएस के अंदर ग्रुप के साथ में सीओ ग्रुप भी अटैच होगा कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ग्रुप OH ग्रुप OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप ये सारी एग्जाम्पल्स है ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स एक्टिवेटिंग की लेकिन अगर बात की जाए ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स डीएक्टिवेटिंग की तो इसके अंदर आ जाएंगे बी आर माइनस या आईओडी माइनस अगर बात करते हैं मेटा डायरेक्टर्स की तो मेटा डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कि अपकमिंग तो ग्रुप हो सकते हैं या फिर कीटोनिक ग्रुप्स इसी तरह से अगर बात करें कार्बोक्साइल ग्रुप्स की तो कार्बोक्साइल ग्रुप्स के अंदर होता है सी डबल ओ ग्रुप अब या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर ईस्टर्स ईस्टर्स के फंक्शनल ग्रुप यहां पर हो सकते हैं इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप एनो टू ग्रुप या सल्फोनिक ग्रुप ये डायरेक्ट करते हैं अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को थर्ड पोजीशन पर या फिफ्थ पोजीशन पर तो इसीलिए कहलाते हैं मेटा डायरेक्टर्स आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन अब हमने सारी इक्वेशन नहीं पढ़नी क्योंकि एमडी कैट या ई कैट के अंदर आपसे कोई इक्वेशन नहीं पूछेगा लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब बेंजीन को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आगे जाके क्या चीज फॉर्म होती है सिर्फ कंपाउंड का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो वो चेक करते हैं अगर हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं ओ के साथ में तो हमारे पास आगे जाके सबसे पहले फॉर्म हो जाएगा ओजोनाइट ओजोनाइट फॉर्म होगा और ओजोनाइट के बाद आगे जाके हम फॉर्म कर लेंगे ग्लायोक्सल ये ग्लाइक्सल फॉर्म होता है जब बेंजीन की ऑक्सीडेशन होती है ओजोन के साथ लेकिन अगर बेंजीन की ऑक्सीडेशन की जाए ऑक्सीजन गैस के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटोक्साइड और यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर भी रिक्वायर्ड होता है 400 एटमॉस्फेरिक के आसपास लेकिन जब बेंजीन की ऑक्सीडेशन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस तो ये आगे जाके फॉर्म करेगा मैलिक एनहाइड्राइट मैलिक एनहाइड्राइट यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर फिफ्टीन केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का एंड होता है बेंजीन का टॉपिक हम यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री ऑफ अल्काइल हेलाइट्स को डिस्कस करेंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ई कैड या एम डी कैड की तैयारी बहुत बेहतरीन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जो कि आपको मकसद ऐप की तरफ ले जाएगी वहाँ पर आप ई कैट या एम डी कैड का कोर्स बाय कर सकते हैं और उसमें आपको एट थाउजेंड तक एमसीक्यूज मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ में तो अपनी ई e कैड या एमडी कैड की तैयारी को मजीद बेहतर बनाइए और अपना ख्याल रखें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज